नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार सुबह वाराणसी सहित पांच शहरों में जबरदस्त छापेमारी की। एनआईए टीम ने आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली सहित आठ जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इसमें सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी में हुआ। यहां बीएचयू के भगत सिंह छात्र संगठन स्टूडेंट बीसीएम मोर्चा की ऑफिस में छापा मारा गया। इसके साथ ही तीन सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को टीम महामनापुरी कॉलोनी स्थित संगठन के कार्यालय पहुंची और छापेमारी करते हुए दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की। एनआईए की टीम को देखते हुए कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने कॉलोनी और संगठन कार्यकर्ताओं के घर को सील कर दिया। छात्र संगठन से उनके फोन भी एनआईए ने जब्त कर लिया। इसके बाद ऑफिस में मौजूद बीसीएम के अध्यक्ष आकांक्षा आजाद और सह सचिव सिद्धि सहित तीन सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। एनआईए ने छात्र संगठन के ऑफिस को कब्जे में लेकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। एनआईए के साथ पुलिस और अन्य अधिकारी कैंपस में ही मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक मामले में ये छापेमारी की गई है। एनआईए को नक्सल एक्टिविटी में छात्र मोर्चा की संलिप्तता का इनपुट मिला था। इसके बाद टीम के सदस्यों ने वाराणसी में संगठन की सक्रियता और सदस्यों की गतिविधियां जानी। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जिस मकान में पूछताछ चल रही है उधर सभी की आवाजाही रोक दी गई है। तो उन लोगों का चेकअप चेकिंग किए हैं? हाँ, सुबह से ही चेकिंग चल रहा है। कितने बजे लोग आए थे? अरे देख नहीं रहे हैं कितने कितने बजे लोग आए थे। सुबह 5 बजे जैसे मैं लॉक खोली तैसे ही, और पूरी कॉलोनी रेंट पर चलाता है। हाँ। ये थोड़ी नहीं कि केवल हम अकेले रेंट पर चला रहे हैं। आप ही क्या केवल छापा पड़ा है? छापा का हम बताएं अब क्या पड़ा है। पूरी कॉलोनी में तहलका मच गया। मेरे घर फोन आ रहा है पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है। तो जो लोग जिनको चेक करने आए उनको ले भी गए हैं? नहीं, ले तो नहीं गए हैं, सब है। सुबह से एनआईए की टीम आई थी, क्या कुछ बात है? हाँ, हमारे यहाँ आज तीन राज्यों की एनआईए की टीम आई थी 5:30 बजे हमारे यहाँ। उन्होंने सुबह सुबह आकर के दस्तक दी, हम लोगों ने गेट खोल दिया। बाद में पता चल रहा है कि एनआईए की टीम है और बहुत सर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मामला है कि हमें शक है कि आप माओवादियों लोगों के संपर्क में हैं। तो अब ये सोचे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग 27 तारीख को, अगर आप लोग मीडिया लोगों को पता होगा, 27 अगस्त को ही हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको नक्सली बोला जा रहा है, या मुसलमान है तो उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, और हर जगह जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। और आज देखिए कि एक हफ्ते बाद तुरंत हमारे यहाँ, एक हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ ही हमारे यहाँ तीन राज्यों की एनआईए आ रही है। तो ये साफ समझ में आता है कि जो मोदी सरकार की लोगों को डराने की पॉलिसी है कि लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो बोले ना, इसीलिए तमाम तरीके के इतने सारे जो अधिकारी लोग आए हुए हैं, तीन राज्य की एनआईए आई हुई। तो हमारा सीधा संबंध है कि एक पूरी तरह से सरकार का डराने का प्रयास है कि जो भी लोग, अभी एक तो चुनाव का माहौल आ रहा है, अभी चुनाव शुरू होने वाला है, वो चाहते हैं कि जो भी विरोधी हैं सरकार के वो खत्म हो जाए, डर जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। कितने ही लोगों को फर्जी आरोपों में माओवादी बोल करके अभी तक जेल में रखा गया। 5-5 साल से लोग सुधा भारद्वाज से लेकर के स्टेन स्वामी लेकर वर्जन गुलजानवी से लोग, सब लोग, इन लोगों को जेलों में रखकर प्रताड़ित किया गया। तो वो यही चाहते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ बोले ना, कोई भी जो दमन हो रहा है, जो कॉरपोरेट के हित में जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ कोई बोले ना। हम लोग का संगठन जो भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा, एक स्वतंत्र संगठन है, वो बीएचयू में काम करता है, और जितने भी मसले हैं समाज के जुड़े हुए, जो छात्रों के हित में, जो स्टूडेंट्स के हित में, या जो पूरे ओवरऑल सोसाइटी के हित में, उसके लिए लगातार हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो, चाहे लाइब्रेरी का मामला हो, चाहे और तमाम जो मामले होंगे उसको लेकर के हम लोग लगातार एक्टिव रहते हैं कैंपस में। कितने घंटे पूछताछ की आपसे? लगभग 1 बजे तक, लगभग 1:15 तक पूरा चला। उन्होंने लगा हमारे पूरे सामानों को तहस नहस कर दिया, हमारे पूरे एक एक किताबों को, एक एक डायरी, एक एक पन्नों को। अच्छा, कुछ ले भी गए कमरे से आपके? हमारे जो मैगजीन है, जो हमारे संगठन के अखबार है मशाल, उसको ले गए। दस्तक जो मैगजीन निकलती इलाहाबाद से, जिसको सीमा जाए, अवेलेबल है हर जगह। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग कुछ छुपा के करते, वो सब हर जगह अवेलेबल है। डायरी वगैरह भी ली है आपसे? हाँ, मतलब इसी पैम्फलेट या मशाल या दस्तक, इस तरह की जो हर कुछ पर्चे जो सामान जो हम लोग बांटते हैं, वही सब उठा के ले गए। मोबाइल वगैरह की भी तलाशी? हाँ, मोबाइल की तलाशी ली गई है, लैपटॉप की तलाशी ली गई है, और मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। अच्छा, आपके मोबाइल को? हाँ, मेरा मोबाइल, 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड जब्त कर लिया गया। हमारे लैपटॉप की पूरी तरह से तलाशी ली गई है, और मुझे 12 तारीख को लखनऊ में एनआईए के ब्रांच पे हाजिर होने को बोला गया, नोटिस दिया गया। कुल कितने सदस्य थे? उन नोटिस की कॉपी है क्या आपके पास? हाँ हाँ,
तो जैसा एक मिनट उसको दिखाएंगे वो रूम हम आपको भेज देंगे। तो ये मतलब कई लोग थे, एक रश्मि शुक्ला नाम की एनआईए की जो लखनऊ ब्रांच की थी डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे उनकी वो थी, फिर झारखंड से रांची से एनआईए की टीम के एक व्यक्ति थे, बिहार से पटना के एक टीम के व्यक्ति थे, और उसके अलावा करीब करीब दो महिला एसआई, चार पांच पुरुष एसआई होंगे, और उसके अलावा सात आठ महिला कांस्टेबल लोग थे, उसके अलावा बहुत सारे पुरुष जो मतलब अधिकारी लोग हैं। दर्जन से ज्यादा लोग हाँ हाँ करीब आराम से 25-30 की संख्या में। कौन कौन रहता है? हम सिद्धि और एक हमारी दोस्त है इप्सिता, संगठन की सेक्रेटरी है वो रहती है, वो अभी आज थी नहीं यहाँ पे, वो घर गई हुई है। हाँ हम लोग तीनों लोग बीएचयू के स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई मेरी एमफिल की पढ़ाई यहाँ से चल रही है, अभी मास्टर्स बीए एमए के बाद अभी एमफिल चल रहा है मेरा, और इनका एमए सोशियोलॉजी चल रहा है, तो हम लोग तीनों ही लोग बीएचयू में पढ़ रहे हैं। हाँ इप्सिता वो एम एस साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, वो अभी घर गई हुई है, और हम लोग तीनों लोग बीएचयू में पढ़ाई करते हैं। तीनों लोग आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा तो घर झारखंड है, और ये यहीं यूपी की हैं, और इप्सिता जो है वो दिल्ली की है। झारखंड में कहाँ पे? गिरिडीह जिला। और आप कहाँ पे? चौका घाट बनारस की है, लोकल है। तो मतलब बेसिकली हमारा यही मानना है कि जो विरोधियों को डराने की साजिश है तमाम तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप देखिए कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, चाहे जो भी अगर सामान्य लोग संगठन बना के छिटपुट काम कर रहे हैं, हित में बोलना चाह रहा है और सत्ता के खिलाफ बोलना चाह रहा है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जा रहा है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, पीछा मार लिया जा रहा है। मतलब ये सोचिए कि एक स्टूडेंट संगठन को सर्च करने के लिए तीन तीन राज्य की एनआईए की टीम आ रही है, तो शर्मनाक बात है। स्टूडेंटों से आपको डर क्या है? संगठन के सामान्य लोग हैं। फिर आज के बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? भगत सिंह मोर्चा क्या करने जा रहा है? हम तो सबसे पहले इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम उनको चेतावनी देते हैं कि आप हमको डरा नहीं सकते। आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े अधिकारी लेकर के, तमाम पुलिस और अधिकारियों को लेकर के आप 25-30 की संख्या में आओ, 100 की संख्या में आओ, हमें इससे डरने